नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कन्वेक्स लेंस के मतलब देखते हैं। बेसिकली कन्वेक्स लेंस जो है ये ऐसा लेंस है जो दरमियान से थिक होगा, थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजेस। थिक एट सेंटर एंड थिन एट एजेस, ये कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस ये इसके जो टाइप्स हैं ये बाई कन्वेक्स लेंस है जो दोनों साइडों से कन्वेक्स है, इसे हम कहते हैं बाई कन्वेक्स लेंस। और जिसकी एक साइड प्लेन हो दैट विल बी कॉल्ड एज प्लेनो कन्वेक्स लेंस। और जिसकी एक साइड कनकेव अंदर की तरफ और एक कन्वेक्स उभरी हुई, बेसिकली ये कन्वेक्स है क्योंकि सेंटर से थिक है, मोटा है, दैट विल बी कॉल्ड एज कनकेवो कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस का जो कर्वेचर है, ये कर्व है, इसका जो सेंटर है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसे 2f से जाहिर करते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, क्योंकि ये बाई कन्वेक्स लेंस है। तो ये 2f क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कन्वेक्स लेंस के बिल्कुल दरमियान में, सेंटर में जो पॉइंट है दैट इज ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड में जो पॉइंट है वो कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस पे अगर ये जो लाइन है जो दोनों तरफ के सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, ये लाइन, दिस लाइन इज फॉर एग्जांपल ए बी, ये लाइन कहलाएगी। लाइन के बजाय हम इसे एक्सिस कहेंगे क्योंकि इसकी लेंथ नहीं है, इसको दोनों तरफ इंक्रीज किया जा सकता है। दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल रेज आए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज फोकस में से गुजरती हैं, प्रिंसिपल फोकस में से पास होती हैं, तो ये फोकस की सिग्निफिकेंस है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज फोकस में से पास होती हैं। इसके बाद कुछ डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ है, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ लिख लेते हैं, स्मॉल एफ इज फोकल लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम सी टू एफ। और टू एफ से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की ज़्यादा बेहतर ये है कि जो आपने कर्व लगाई है ये जितना इसका डिस्टेंस होगा, मतलब इसको आप टोटल लेंस की सरफेस तक ही ले जाएं, क्योंकि हम आमतौर पे थिन कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं तो उसमें ये लेंथ निगलिजिबल हो जाती है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कहलाएगा। लेंस का जो साइज़ है यहाँ से यहाँ तक ये डी कहलाता है और इसको अपर्चर कहते हैं, अपर्चर ऑफ लेंस, दैट इज द डायमीटर ऑफ लेंस। लेंस का जो डायमीटर है वो है। तो लेंस में हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखना है कि इमेज कैसे फॉर्म होता है।
कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्म करने के लिए ये जो पॉइंट है जहाँ जो इस कर्व का सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है, और ये ऑप्टिकल सेंटर है। दूसरी तरफ भी ऐसे ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, और ये दोबारा से सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेसेस पे रखते हैं। पहले हम रखेंगे टू एफ से अवे इस ऑब्जेक्ट को जिसका नाम ए बी है, फिर टू एफ पे रखेंगे, फिर टू एफ और एफ के दरमियान रखेंगे, फिर एफ पे रखेंगे, और एफ और टू एफ और लेंस के दरमियान रखेंगे, और फिर देखेंगे कि इमेज कहाँ पे बनता है। पहली कैटेगरी में पहला जो स्टेप है वो है इफ़ ऑब्जेक्ट लाइज अवे फ्रॉम टू एफ। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो पैरेलल रे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे फोकस में से पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज तमाम की तमाम फोकस से पास होती हैं, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाने वाली रे सीधी की सीधी चले जाएंगे। ये रे नंबर वन और ये रे नंबर टू। रिफ्रैक्शन के बाद ये दोनों रेज जहां मिलेंगी वहां इमेज बनेगा। दिस इमेज इज इन्वर्टेड एंड नेम ऑफ इमेज इज ए डैश बी डैश। इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट के लिहाज से स्मॉल है, और एफ और टू एफ के दरमियान ये बन रहा है। तो इस बात को हम लिख लेते हैं, इफ ऑब्जेक्ट lies away from 2F its image is image will be formed between F and 2F its image will be formed between F and 2F nature kya hogi is image ki नेचर ऑफ इमेज। ये जो इमेज बन रहा है ये स्मॉल है, इन्वर्टेड है और रियल है। तो इफ ऑब्जेक्ट लाइज अवे फ्रॉम 2F इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड 2F दिस इमेज विल बी स्मॉल इन्वर्टेड एंड रियल। सेकंड कैटेगरी इज व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन 2F व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट 2F तो ये सी से पास होने वाली रे सीधी की सीधी चलेगी, और दूसरी रे जो हमने लेनी है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली है, वो एफ में से पास होगी। तो एफ में से पास होने वाली रे और ये दोनों रेज आपस में जिस पॉइंट पे मिली हैं वहाँ पे आपका इमेज बन जाएगा, दैट इमेज इज़ फॉर्म्ड एट 2F ऑब्जेक्ट एंड इमेज इक्वल साइज का है। इसकी नेचर क्या है जी? इमेज इज इक्वल, इक्वल साइज का है, इन्वर्टेड है और रियल है। ये इस इमेज की नेचर आ गई। इफ ऑब्जेक्ट लाइज एट 2F देन इट्स इमेज विल आल्सो फॉर्म्ड एट 2F। थर्ड कैटेगरी, इफ ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन F एंड 2F तो
इसमें ये जो रे है ऑप्टिकल सेंटर वाली जैसी दिखी सीधी चलेगी, और दूसरी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली एफ में से पास हुई, और ये दोनों रेज आगे चल के आपस में मिली हैं, 2F से भी ये इमेज बन रहा है। दिस इमेज इज लार्ज एज कम्पेयर विद ऑब्जेक्ट फॉर्म अवे फ्रॉम 2F, लार्ज है, इन्वर्टेड है और रियल है, लार्ज इन्वर्टेड एंड रियल। दी फोर्थ कैटेगरी इज इफ ऑब्जेक्ट लाइज एट F, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के ऊपर हो तो फिर क्या होगा, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली रे सीधी की सीधी चलेगी, और दूसरी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली ये एफ में से पास हुई। अब ये दोनों रेज जो हैं वो पैरेलल हो गई हैं, तो इसका मतलब है इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है, नेचर ऑफ इमेज लार्ज है, इन्वर्टेड है और रियल है। तो ये फोकस की कैटेगरी है, और लास्ट वन इज इफ ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन एफ एंड लेंस, अगर ऑब्जेक्ट एफ के और लेंस के दरमियान हो तब प्रिंसिपल एक्सिस के में से जाने वाली रे सीधी की सीधी चलेगी, और ऑप्टिकल सेंटर में से जाने वाली रे सीधी की सीधी चलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे एफ में से पास हुई। ये दोनों रेज जो हैं डाइवर्ज हो रही हैं, इनको हमें पीछे की तरफ लेके जाना पड़ेगा, जब हम पीछे की तरफ लाएंगे स्ट्रेट तो ये यहाँ पे आपस में मिल रही हैं, इसका मतलब है ये वाहद इमेज है जो कन्वेक्स लेंस से बन रहा है, और ये वर्चुअल है, सीधा है, पर वर्चुअल में रेज मिल रही हैं। तो इस इमेज की फॉर्मेशन में आप लिखेंगे दिस इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वाली साइड पे बनेगा, नेचर क्या हो गई, लार्ज है, लार्ज इमेज है, अरेक्ट है, सीधा है और वर्चुअल है। इस तरह कन्वेक्स लेंस से दोनों किस्म के इमेजेस फॉर्म होते हैं, बाकी तमाम जगहों पे रियल इमेज फॉर्म होता है, सिर्फ जब ऑब्जेक्ट एफ के और लेंस के दरमियान हो तब वर्चुअल और लार्ज इमेज फॉर्म होता है। दिस कैटेगरी ऑफ कन्वेक्स लेंस विल बी कॉल्ड एज कन्वेक्स लेंस एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। इस वक्त हम कन्वेक्स लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहेंगे, और इसको मैग्नीफायर भी कहते हैं। तो कन्वेक्स लेंस में दोनों किस्म के इमेज फॉर्म होते हैं, रियल भी और वर्चुअल भी, सिर्फ वाहद कैटेगरी है जब ऑब्जेक्ट जो है एफ के और लेंस के दरमियान हो तब उसका वर्चुअल और लार्ज जो है वो इमेज फॉर्म होता है। कंकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस भी कहलाता है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें ऑब्जेक्ट जहाँ मर्जी आप रख दें सामने, पैरेलल जाने वाली रे डाइवर्ज हो जाएगी इस असूल पे के पिछले फोकस में से निकलती हुई दिखाई देती है, और ऑप्टिकल सेंटर वाली रे सीधी की सीधी जाती है। इसका मतलब है इसका इमेज सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है। तो इफ ऑब्जेक्ट लाइज इन फ्रंट ऑफ कंकेव लेंस देन ऑलवेज इट्स इमेज इज ऑलवेज अरेक्ट स्मॉल एंड वर्चुअल। कंकेव लेंस से हमेशा छोटा सीधा और अरेक्ट
सीधा छोटा और वर्चुअल इमेज बनता है कॉनकेव लेंस से, चाहे ऑब्जेक्ट को आप जहाँ मर्जी रख दें, इसमें पोजीशंस अफेक्ट नहीं करती।